Hi friends, today let's talk about one stock which a lot of people talk in the capital goods segment और सबसे बड़ा infrastructure play है इंडिया में. अच्छी कंपनी है, good pedigree, very good quality of management. लेकिन point यही है जो कल मैंने Dixon Technologies के वीडियो में भी उठाया था कि just because something is high on price and high, just because something has done well, तो क्या कोई भी चीज़ किसी भी दाम पे उठानी चाहिए या should we analyze and dig deep further? All stock ideas on this channel are my personal opinion. कोई भी stock या company पे buy या sell करने के पहले please consult your registered financial advisor and then take a decision. This is a standard disclaimer which we have to use in all videos of The Profitt Curve. अब बात करते हैं stock के बारे में. The company I'm talking about is a favorite for a lot of people. It's called Larsen and Toubro. मैं आज अपने पास कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाल के शॉर्टलिस्ट करके रखा है सो दैट आई कैन गिव यू माय पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑन दिस कंपनी. L&T इज़ अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट एंगेज्ड इन EPC यानी जिसको इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस बोलते हैं. प्रॉब्लम ये है गाइस, कंपनी अच्छी है लेकिन ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव और कैश गजलिंग बिजनेस हो सकता है. अब फेवर में क्या है L&T के, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बिकॉज ऑब्वियसली ये इलेक्शन का साल है. और मैं आपको कुछ खतरनाक आंकड़े देता हूँ जो मैंने न्यूज़ चैनल से उनके इंटरव्यूज़ में सुन के निकाले. आई हैव कलेक्टेड देम. सरकार ने बजट में अनाउंस किया 10 लाख करोड़ का खर्चा करेगी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे. बराबर, L&T इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिशरी ऑफ ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज इन दिस कंट्री. बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स L&T को जाते हैं, बराबर है. तो यहाँ तक वी आर ऑन द सेम पेज. नाउ 1947 से लेके इन द लास्ट 75 ईयर्स जितना टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है ना इंडिया में, 75 ईयर्स किसी की भी सरकार आई हो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. जितना खर्चा हमारे इंफ्रा पे हुआ है एज अ कंट्री, उसका 60% खर्चा पिछले 9 साल में हुआ है. कैन यू इमेजिन? मतलब इस गवर्नमेंट ने आपके कंट्री के इंफ्रा पुश में इतने जॉब्स क्रिएट हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे इतनी चीज़ें हुई है. आप दिल्ली से जितने हाईवेज कनेक्ट करते हैं वो एक खाली एग्जांपल है, आप देखो. एंड इसका क्रेडिट काफ़ी हद तक जाना चाहिए टू मिस्टर नितिन गडकरी जी, जिस तरह उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं. दैट्स वाई ही इज़ वन पॉलिटिशियन जिसको सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ मानते हैं और कोई उनके बारे में आप देखो नेगेटिव नहीं बोलेगा बिकॉज ही इज़ बेनिफिटिंग द इंटायर कंट्री. यार मैं वही तो बोलता हूँ आपको, कोई भी आए अगर वो देश का भला कर रहा है और कंट्री को इंडिया फर्स्ट रख के आगे बढ़े तो अपने को और क्या चाहिए. एनीवे, पॉलिटिक्स असाइड, लार्सन एंड टूब्रो के पास मेजॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, कौन से सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर सेक्टर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, डिफेंस, IT का भी आता है. डोंट फॉरगेट LTTS, LTI, माइंट्री, इनके सब जगह अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बने हुए. L&T has divided its company into 9 SBUs ऑलरेडी और वो काफ़ी अच्छा कर रही है अलग अलग. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट L&T पेरेंट जिसका अभी का स्टॉक प्राइस चल रहा है 2235 अप्रॉक्सीमेटली. नाउ पॉइंट ये है, अच्छी बातों में एक और बात, L&T का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,13,000 करोड़, 3,13,000 करोड़ का मार्केट कैप. और एक बात आपको बताऊं, इनकी ऑर्डर बुक, होल्ड योर ब्रेथ, अगले 2 साल तक L&T के पास 2.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है. यस, अराउंड 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है L&T के पास. और 2 साल में आपको क्या लगता है L&T को और ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे? दे विल गेट मोर ऑर्डर्स. तो ऑर्डर बुक इतनी ओवरफ्लो हो रही है. जितनी कंपनी की साइज़ है, जितना कंपनी का मार्केट कैप है, उस लेवल का ऑर्डर बुक और पड़ा है पाइपलाइन में जो इनको एग्जीक्यूट करना है. बट देयर इन लाइज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज़ वेरी मच इन द पॉइंट वे वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगले साल देश में चुनाव है, इलेक्शन है, और ये सब कंपनीज आप मानो या ना मानो प्रोन होती है टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टीज शिफ्टिंग इन द कंट्री. अगर कल को वी डोंट नो, बट अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई और पॉलिसीज़ चेंज हो गए और इंफ्रा पुश जो अभी 10 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, चलो ये साल वो तो गवर्नमेंट कर ही लेगी, लेकिन भाई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ROI देने में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा, टेक्स 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स टू समटाइम्स 10 ईयर्स. जो हाईवे या जो टोल नाका बना था, 7 से 10 साल पहले, वो अब जाके उसका कलेक्शन पूरा हो रहा होगा। सो ये प्रोजेक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव हैं, इसमें बातों में फंसना बहुत आसान होता है। इट्स वेरी इजी टू गेट स्वेड अवे बाय द ग्रोथ स्टोरी। द पॉइंट इज एलएनटी का रिटर्न ऑन एक्विटी सिर्फ 12% है, आरओसीई भी सिर्फ 12% है। आरओई आरओसीई ओनली 12%। अगर मैं लास्ट 10 साल का आरओसीई और आरओई देखूं, नो डाउट इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, बट आपका पैसा किस कंपनी में लगेगा अगर आप इसमें जाओगे? मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ कि मैं पर्सनली ऐसी कंपनीज जो कैश गजल करती है उससे थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द लास्ट 10 years has been 13%. It's borderline case, and compounded profit growth भी last 10 years का 9% रहा है, तो ये थोड़ा डैम्पनर है। हालांकि having said that, कैश फ्लो कंपनी के पास अब लास्ट 3 साल से बहुत बढ़ रहा है, जब से इंफ्रा पुश आया, जीडीपी ग्रोथ आया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऐसा होता है, अगर एक इंफ्रा सेक्टर ग्रो करता है ना, पूरे कंट्री की इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट आता है, इट क्रिएट्स मल्टीपल जॉब्स। सो हैट्स ऑफ, एलएनटी ने अपना काम किया है, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, बट यू नो देयर इज समथिंग विच विल स्टॉप यू कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है इस कंपनी में। फ्रॉम दिस लेवल 2235 के प्राइस से रिस्क अपवर्ड थोड़ा ज़्यादा है, ये फैक्ट है। रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन रिस्क बढ़ जाता है आपका, क्योंकि इसके वर्किंग कैपिटल डेज बढ़ गए हैं। एलएनटी के वर्किंग कैपिटल डेज है 188 एज पर द लास्ट रिसेंट मार्च 2023 के नंबर्स। 188 का वर्किंग कैपिटल इज़ अनसस्टेनेबल। पैसा आते आते, वेंडर्स को पैसा पास होते होते, नेट प्रॉफिट जमा करते करते, वो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो पूरा खा सकता है आपका। और उसके बीच में इलेक्शन का डर, अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी अनसर्टेनिटी, इसीलिए ये स्टॉक अटक रहा है गाइस। सी इफ़ यू लुक एट द, नाउ वील टॉक अबाउट एवरेजेस। एफआईआई का होल्डिंग 24% है, परफेक्ट है। डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है एलएनटी। डीआईआईज ओन अप्रॉक्सीमेटली 39 to 40% इन एलएनटी, एंड बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है। बट अगर मैं इसका 50 डे 200 डे एवरेज आपको बताऊँ, मैं सब रेडी लेके आज बैठा हूँ, बिकॉज आई थॉट इस पर चर्चा करना ज़रूरी है ऑन दिस वीकेंड बिफोर एनीबडी गेट्स स्वेड अवे। इसने रिसेंटली अपना हाई टच किया अराउंड 2360 के आसपास, और अभी जो ये खड़ा है 2235 आफ्टर दिस करेक्शन। अगर मैं इसका 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज देखता हूँ एज ऑफ 1 जून, अगर मैं देखूँ 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, विच इज़ अ ग्रेट साइन। 50 डे मूविंग एवरेज है 2230। 2230 पे इसने मल्टीपल टाइम ऐसे नीचे गिर के सपोर्ट लिया है। 200 डे मूविंग एवरेज उसका और पीछे है, विच इज़ 2094, यानी अभी ये बहुत क्रिटिकल जंक्शन में है एलएनटी। इफ़ इट सस्टेन्स अबाउट 2230, तो फिर आगे उसको रेजिस्टेंसेस 2350, 2400 क्रॉस करने में टाइम लग सकता है। एंड इफ़ इट स्टेज हियर एट, इससे नीचे गिरा तो इसका सपोर्ट बेस बनता है 2094, क्लियरली 2094, 2095 अप्रॉक्सीमेटली। इसका मतलब है यहाँ से अगर कोई ट्रेडर या कोई सीख रहा है तो ये बहुत क्रिटिकल और डाइसी जंक्शन में है। मेन प्रॉब्लम मेरा इस बिज़नेस के साथ है, मैंने आपको बताया कैश बर्निंग बिजनेस है, बहुत पैसा खपता है इसमें, फ्री कैश फ्लो बहुत कम बचता है। आरओई 12% है, विच इज़ नॉट द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी भी बहुत है, गवर्नमेंट से पेमेंट्स भी आने हैं, वेंडर को पेमेंट्स भी पास होने हैं, तो आप सोचो साइकिल ऑफ पेमेंट्स कितना ख़राब है। और वर्किंग कैपिटल डेज जो पहले 121 थे वो अब बढ़ के 188 हो गए ना। दैट इज़ द लास्ट पीस ऑफ बैड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। इफ़ योर रिस्क प्रोफाइल अलाउज यू, देन यू शुड टेक दी स्टॉक्स इन कंसिडरेशन। अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन, टॉक टू योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड देन टेक अ कॉल। I'll see you around in the next video very soon. Hope you like this video. अपने comments मुझे बताते रहिए आपको कैसे लग रहे हैं हमारे videos, and गौतम बैद सर के video को आपने इतना support दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए thank you. I will bring more guests on our shows in future also. तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं. Take care, have a good weekend and keep profiting.